ऑल राइट, सो आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है दो ऐसी बाइक्स जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मेरा मतलब है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी है द ब्रांड न्यू न्यूली लॉन्च यामाहा MT-15 version 2 और मेरे राइट हैंड साइड पे खड़ी है सबकी फेवरेट फैड मोटरसाइकिल द यामाहा R15M। आज हम लोग जो है इन दोनों बाइक का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बाइक किसको खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना चाहिए। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू यामाहा ऑटोमैक्स ऑटोमोटिव एंड अक्षय सर जिन्होंने जो मुझे ये MT प्रोवाइड की, एंड स्पेशल थैंक्स टू कार्तिक भाई जो इस R15M के ओनर है। प्राइसिंग की बात करूँ सो MT का जो ऑन रोड कॉस्ट है वो है 1,93,700 एंड R15M का जो ऑन रोड कॉस्ट है वो है 2,22,000 रुपीज मुंबई। सो प्राइसिंग को लेकर जो है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ जाएगा। सो सबसे पहले बात करेंगे दोनों बाइक्स के लुक्स को लेकर। भाई लुक्स को लेकर जो है मैं बोल सकता हूँ कि दोनों बाइक जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। आप MT ले लो या फिर यामा R15M ले लो, दोनों बाइक जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट मेरी मानो तो रियलिटी में जो है R15M जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है एज़ कम्पेयर टू द MT-15। और रही बात MT की, भाई MT का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यूनिक है। आपको जो है फ्रंट में ये ट्रांसफॉर्मर्स वाला हेडलाइट मिल जाता है जो इस तरीके से दिखता है फेस जैसा, और ओवरऑल इसकी जो बॉडी है और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में मिल जाता है। सो आई थिंक लुक्स को लेकर जो है आपको पर्सनली देखना पड़ेगा कि आपको MT पसंद है या R15M पसंद है। और आ जाते हैं बाइक के हेडलाइट्स पे। सो दोनों मोटरसाइकिल्स में जो है आपको फ्रंट में DRL के साथ साथ प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिलती है। ये रहा R15M की लाइट्स, और MT में भी जो है आपको प्रोजेक्टर LED लाइट्स ही मिलती है विथ DRLs। ये कुछ इस तरीके से सस्पेंशन पे आते हैं। भाई दोनों बाइक्स में जो है आपको USD फोक्स मिलते हैं R15M में भी और MT में भी। यहाँ पर भी जो है आपको 37mm के USD फोक्स मिलते हैं और R15 में भी जो है आपको USD फोक्स ही मिलते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको KYB के तरफ से मिलते हैं। एक डिफरेंस आपको M में R15 में और MT में मिलता है वो है ABS। यहाँ पर जो है आपको ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, बाइब्री की तरफ से डिस्क ब्रेक्स मिलती है। MT-15 में जो है आपको मिलती है सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं बाइक की टैंक्स पे। भाई यहाँ पे जो है MT में आपको 10 लीटर की टैंक मिलती है और R15 में जो है आपको मिलती है 11 लीटर की टैंक। माइलेज की अगर बात करूँ तो R15 में जो है आपको ऑलमोस्ट 42 के आसपास माइलेज मिलेगी और हाईवे पे जो आपको 45 की माइलेज मिल जाएगी। MT में जो है आपको इस टैंक में से मिलेगी 40-45 की माइलेज और हाईवे पे आपको ये 50 की माइलेज भी दे देगी। और सबसे मेन एस्पेक्ट पे आते हैं वो है बाइक का कंफर्ट। भाई यामा R15M का सिटिंग पोजीशन हम सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी पोजीशन है, तो ये वाली बाइक जो है अगर आप ट्रैक वगैरह करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी। और इसके जो फुटपैक्स है वो भी रेयर सेटिंग में है, तो आपको कंप्लीट यहाँ पे स्पोर्ट्स वाली लुक एंड फील मिल जाएगी और ऊपर से ये फेयरिंग बहुत अच्छा दिखता है। और रही बात MT की, MT का जो कंफर्ट है वो बेहतरीन है। मतलब इसमें जो आपको अपराइट पोजीशन मिलता है जो मुझे पर्सनली पसंद है। तो अगर मैं कंफर्ट की अगर बात करूँ, कंफर्ट एस्पेक्ट से देखूँ तो MT-15 जो है आई थिंक कंफर्ट के मामले में बेहतरीन है जो मुझे पर्सनली पसंद है। इसके जो हैंडल बार्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। इसकी जो सीट्स है वो भी फ्लैट है और टैंक भी जो है काफ़ी बड़ा है और मैं भी जो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ। फुटपैक्स है वो हल्के से रेड सेटिंग में, बट आपको मज़ा आता है बैठने का। बट आपको ऐसा है, वो बोलते ना स्टांस मिलता है, एकदम ही कमिटेड स्टांस यहाँ पे मिलता है। और अभी आ जाते हैं बाइक के इंजन पे जो हर एक मोटरसाइकिल का हार्ट होता है। सो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो आपको एक 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है और पावर फिगर्स भी जो है ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स के सिमिलर ही है। दोनों में आपको VVA की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सो इंजन के मामले में जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों बाइक्स में जो है आपको सेम इंजिन्स ही मिलेंगे। MT क्योंकि एक नेकेड मोटरसाइकिल है सो यहाँ पे जो है आपको ये इंजन काउल मिलता है, बट वो मेटल का नहीं है। और R15 में जो है यहाँ पे आपको पूरा एक फेयरिंग मिलता है। इसमें जो है आपको नीचे इंजन काउल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये फेयरिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। और रेयर सेक्शन में आते, पीछे के सेक्शन पे आते, सो दोनों बाइक्स भी दिखने में काफ़ी अलग है एक दूसरे से। पीछे की जो पिलियन सीट है वो MT-15 की काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, तो अगर पतले लोग हैं तो बैठ पाएंगे। R15 में भी जो पीछे की सीट है वो भी शॉर्ट है, बट द थिंग इज़ ये काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। सो अगर मैं कम्फर्ट की बात करूँ सो आपको जो है MT में काफ़ी बेहतरीन सा कम्फर्ट मिलेगा, बट दोनों की सीट्स जो है वो छोटी है। एंड दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको पीछे की साइड मोनोशॉक्स मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोनोशॉक विथ येलो कॉइल्स। R15 में भी जो है आपको मोनोशॉक्स ही मिलते हैं कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ आपको इसमें यहाँ पे ये अपडेट किया हुआ है कि MT-15 में जो है अभी आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है और R15 का भी जो स्विंग आर्म है आपको एल्यूमिनियम में ही मिलता है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे आपको सिल्वर कलर मिलता है, वहाँ पे जो है आपको
ब्लैक कलर मिलता है। दोनों मोटरसाइकिल्स में जो है आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाती है, तो 6 गियर मिलेगी। एक चीज़ आपको R15 में ज़रूर से मिलता है, वो है क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल, जो आपको MT-15 में नहीं मिलेगा। आपको जो मैन्युअली गियर चेंज करनी पड़ेगी। टेल लाइट्स भी जो है यामा MT-15 में आपको LED टेल लाइट्स मिलती है। और रही बात R15 की, सो R15 का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा R6 और R7 से इंस्पायर्ड है। सो यहाँ पर भी जो है आपको LED ब्रेक लाइट्स ही मिलेगी। टर्न इंडिकेटर्स जो है आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिलते हैं बल्ब में। और अभी आ जाते हैं बाइक के डिस्प्ले और हैंडल बार्स पे। सो आप R15 में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये क्लिपॉन्स मिलते हैं जिसपे आपको R15 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। हल्का फुल्का सा आपको यहाँ पे ब्लू टिंट मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये जो है काफ़ी ज़्यादा फैंसी दिखता है, मतलब ये क्लिपॉन्स ये सब उन लोगों ने यहाँ पे एडिशन, ये नकल गार्ड्स भी लगाए हुए, सो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखता है। और यहाँ पे जो आपको हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न और ये बाजू इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्टॉप, तीनों का एक ही बटन है। आपको यहाँ पे हजार्ड लाइट का भी बटन मिलता है, ये रहा, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्रिप और इन्फो। यहाँ से जो है आप अपने डिस्प्ले को चेंज कर सकते हो, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और डिस्प्ले पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलते हैं R15M में। कुछ इस तरीके से लोड होता है। यहाँ पे आपको RPM शिफ्ट लाइट मिलती है जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो। यहाँ पे आपको गियर पुश इंडिकेटर मिल जाएगा, कौन से मोड में चले। इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, स्ट्रीट एज वेल एज ट्रैक। ट्रैक में जो है पूरा कम्प्लीटली ये चेंज हो जाता है। सो आपको मिल जाएगा RPM, स्पीड, कितने किलोमीटर चली है, एवरेज, फ्यूल गेज, टाइम। और अगर आपको इसको ट्रैक मोड में डालना है तो आपको यहाँ से जो है ये प्रेस करना है। सो आपको जो है ये बटन दबा के रखना है जिससे जो है स्ट्रीट से ट्रैक पे आ जाता है। आप देख सकते हो ट्रैक पे जो है यहाँ पे ये सीधा 6000 RPM से स्टार्ट होता है। तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो 6000 RPM के बाद यहाँ पे RPM मीटर में दिखाएगा। सो ये वाला फंक्शन जो है आपको R15M में मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं। रही बात MT-15 की, सो MT-15 में जो है आपको एक ब्लूटूथ डिस्प्ले मिलता है, डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। बाय द वे उसमें भी जो आपको ब्लूटूथ सिस्टम मिलता है, सो यहाँ पे जो आपको वही सेम सिस्टम मिलता है जो आपको पहले मिलता था। सो यहाँ पे आपको गियर पुश इंडिकेटर मिल जाएगा, आपको RPM मिल जाएगा, किलोमीटर, स्पीड, फ्यूल गेज और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हो, एवरेज स्पीड, कितने किलोमीटर्स, डिस्टेंस टू MT। और इसमें जो आपको ब्लूटूथ सिस्टम मिलता है जिसमें जो आपको फ़ोन कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट्स और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है दोनों बाइक में जो है आपको आपके ऐप के थ्रू मिल जाएगी। सो ये है दोनों का डिस्प्ले। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं आपको बाइक के, दोनों बाइक्स के बारे में बता दूं, भाई दोनों बाइक्स जो है बॉडी में एकदम ही डिफरेंट है एक दूसरे से। सो MT में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा विंडास लगेगी, बिकॉज आपको जो है यहाँ पे किसी भी तरह का विंड वाइज़र नहीं मिलता। सो ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक बोलते हैं इसको। और R15 में जो कम्प्लीटली फेयरिंग बाइक है, तो यहाँ पे जो आपको ये मिलता है वाइज़र मिलता है जिसपे जो आप आसानी से अंदर टक इन करके हाई स्पीड्स क्लॉक कर सकते हो। सो आई थिंक टॉर्क के मामले में जो, बिकॉज MT का नाम ही है टॉर्क, मास्टर ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क के मामले में MT जो है ज़्यादा आपको टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी। R15M जो है वो रेस एडिशन है, R15M। सो ये जो है आपको हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी ज़्यादा दे देगी। तो टॉप स्पीड जो है आई गेस R15M ज़्यादा करेगी और टॉर्क जो है MT-15 ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेगी। और अभी मैं सुना दूँ आपको MT का एग्जॉस्ट नोट। और अभी हम लोग सुन लेते हैं R15M का एग्जॉस्ट नोट। फ्रैंकली बताओ सो, दोनों मोटरसाइकिल का जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक दूसरे से एकदम ही सिमिलर है। मतलब अगर आप आग बंद करके सुनोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बाइक का कौन सा एग्जॉस्ट नोट है। सो ये था एक शॉर्ट एंड स्वीट कंपैरिजन ऑन द ब्रांड न्यू 2022 MT-15 वर्जन 2 और यामा R15 वर्जन M। अभी मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप डेली चलाने वाले हो, सिटीज़ में चलाने वाले हो और संडे राइड्स भी करने वाले हो, तो आपको जो है MT खरीदना चाहिए अगर आपका सिटी यूसेज ज़्यादा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ संडे राइड के लिए और फन के लिए और एक ट्रैक के लिए बोलते ना एंट्री लेवल सुपर बाइक चाहिए, सो आई थिंक यामा R15M जो है काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। एंड इन दोनों मोटरसाइकिल्स का जो मैंने डिटेल राइड रिव्यू किया, अगर आपको वो देखना है तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन ठोकना, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना है। एंड द ब्लॉग हियर, आई होप दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज DBS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आप इन दोनों में से कौन सी बाइक सेलेक्ट करोगे।